गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम पॉलीथीन बैग। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक, नायलन प्लास्टिक ये सब पॉलीथीन है। तो ये पॉलीथीन का बना हुआ बैग ये वातावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, हाउ मच डेंजरस इट इज़ फॉर आवर इन्वायरमेंट, फॉर आवर सराउंडिंग, दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। द पोएट हैज कंपेयर्ड दिस यूजलेस हजार्डस थिंग ऑफ पॉलीथीन बैग विथ द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू बिहेव विथ अदर पर्सन्स एंड व्हेन आवर बिहेवियर इज गुड वी गेट गुड रिजल्ट्स एंड सिमिलरली व्हेन आवर बिहेवियर इज बैड वी गेट बैड रिजल्ट्स। सो जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग द बैड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज बीन मेंशनड हियर। द पोएट हैज कंपेयर्ड द पॉलीथीन बैग्स विथ द बैड बिहेवियर परफॉर्म बाई ह्यूमन बींग्स। मेरे दोस्तों, बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th के बच्चों, आपके लिए यह पोएम पॉलीथीन बैग। ये पॉलीथीन बैग को आदमी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार बिहेवियर से कंपेयर किया है पोएट ने, इसमें कवि ने पॉलीथीन बैग को कंपेयर किया है इंसानों के गलत व्यवहार को, व्यवहार से, ठीक। तो पॉलीथीन बैग क्या होता है, पहले किसी पोएम को पढ़ने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द प्लॉट। आखिर प्लॉट क्या है, भूमिका क्या है, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ दिस पोएम। जब प्लॉट को हम लोग ठीक से समझ लेंगे तो पोएम समझना आसान हो जाता है। तो ये इस पोएम का जो प्लॉट है वो ये है कि जैसा पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक का कोई सामान अस्थाई होता है, उसको उस सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, जल जाता है, जलाएंगे तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, लेकिन उस समय भी उसमें से बैड स्मेल निकलता है जो बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये पॉलीथीन बैग जल जाएगा लेकिन गलेगा नहीं, मिट्टी में सड़ेगा नहीं। और प्लास्टिक के बैग को जहाँ रख दीजिए मिट्टी में तो वहाँ जो कहते हैं वो कायम रहता है बहुत दिनों तक। तो उस जिस तरह से पॉलीथीन बैग, उसका असर, उसका इफेक्ट अस्थाई रहता है, वो टिकता है, उसी तरह से मनुष्य का बिहेवियर अगर गलत हो जाए तो उसका भी इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और वह प्रभाव, वह इफेक्ट, दैट इफेक्ट कंटिन्यूज फॉर एवर, वह हमेशा के लिए कंटिन्यू कर जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें कि आपका बिहेवियर ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो कि आने वाले के दिल में वो हर्ट नहीं करे, उसको घाव नहीं बनावे, उसको आहत नहीं करे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी के दिल में वो आहत की भावना पैदा ना करे, वह घायल नहीं करे किसी को, किसी को अस्थाई डैमेज नहीं करे। तो यह आपका अस्थाई, एक बार किसी को हमने घायल कर दिया तो उसके दिल में हमारी बात से जो वह आहत हुआ वो अस्थाई रहता है। आवर बैड बिहेवियर, आवर द हर्ट विच वी गिव समवन, दैट कंटिन्यूज फॉर एवर। जिस तरह से प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक का बैग वो कंटिन्यू करता है, वो मिट्टी में सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, उसी तरह से आदमी का बिहेवियर भी कंटिन्यू करता है। वो गलत कार्य जब हम लोग कर जाते हैं तो भले ही सॉरी बोल दें, लेकिन सॉरी बोलने से कोई गलत कार्य समाप्त नहीं होता है, गलत बिहेवियर समाप्त नहीं होता है। किसी को मान लीजिए कि एक बार आपने गाली दे दिया और बोला कि चलो यार सॉरी, मुँह से निकल गया, सॉरी बोल करके आपने अपने दिल को हल्का किया, लेकिन उस आदमी के कान में जो गलत वर्ड गया उसका इफेक्ट, दैट इफेक्ट विल लास्ट फॉर एवर, वो रहता हमेशा है, वो दब जाता है, आदमी नाम नहीं लेता है, लेकिन गलत बिहेवियर को भी इंसान भूलता नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ही ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। दुनिया में जो भी अच्छाई है वो आपके व्यक्तित्व में कैसे आएगा, उसके लिए
ये कविता वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। साहित्य हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि साहित्य से व्यक्ति कंट्रोल होता है, बिहेवियर कंट्रोल होता है। मतलब क्या है कि हम लोग लिटरेचर पढ़ के जानते हैं कि लिटरेचर टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मैन, ऑर्डिनरी मैन एंड द मैन हु फ्लाइज इन द स्काई, आसमान में उड़ने वाले लोग और ज़मीन पर रेंगने वाले लोग, दोनों में इतना अंतर क्यों है। ये अंतर हमें पता लगता है व्हेन एवर वी रीड लिटरेचर, व्हेन एवर वी स्टडी पोएम, व्हेन एवर वी रीड स्टोरी। साहित्य की बात जब हम लोग करते हैं तो इंसान इंसान के बीच में जो अंतर है, जो इंसान इंसान की संवेदनाओं के बीच में, भावनाओं के बीच में, उनके प्रयासों में जो फ़र्क है, उनके भाग्यों में जो अंतर है, हम इसको समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉलिथीन बैग को कंपेयर किया मनुष्यों के गलत व्यवहार से। दुर्गा प्रसाद पांडा ही हैड कंपोज्ड दिस पोएम, सो वी विल रीड अबाउट द पोएम फर्स्ट, अबाउट द पोएट फर्स्ट। द नेम ऑफ द पोएट इज दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजिशन इन उड़िया लिटरेचर, प्राइमरीली ए लिंग्विस्ट। वो उड़िया साहित्य के वो कवि थे और प्राइमरीली ए लिंग्विस्ट, वो सही माने में ये लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं। पांडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम्स इन टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वो उड़िया से इंग्लिश में लिखते हैं और इंग्लिश से उड़िया में भी करते हैं। इट्स लाइज हिज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी स्वर्णी एंड रेज। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। इस पोएम में उन्होंने प्रेसिंग इशू मतलब महत्वपूर्ण इशू, ये प्रभावशाली इशू जो है मुद्दा पॉलीथीन बैग एंड द इविल कंसिक्वेंसेस इट हैज़ ऑन इन्वायरमेंट, इसका वातावरण पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन, और पोएम की ताकत, पोएम की महानता, खासियत इस बात में है कि कोरिलेशन यह जोड़ता है बिटवीन ह्यूमन इमोशन, मानवीय भावनाओं को एंड ए मंडेन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग, और एक ये बकवास निरर्थक अनइंटरेस्टिंग थिंग ये पॉलीथीन बैग को उसने जोर करके देखा है मनुष्य के द्वारा किए गए गलत व्यवहार से। जैसे प्लास्टिक दुनिया को नष्ट कर रही है, वातावरण बर्बाद कर रही है, उसी तरह से इंसानों का गलत व्यवहार भी दुनिया को बर्बाद करेगा, ये पोएट का विचार है। तो वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स गो टू मार्केट टू परचेज सेवरल थिंग्स। आफ्टर यू हैव परचेज गुड्स यू नीड सम सॉर्ट ऑफ बैग टू कैरी दीज गुड्स। आपको कुछ बैग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैग डू यू यूज टू कैरी द गुड्स। डू यू यूज या क्लोदिंग बैग और यू यूज ऑलवेज द प्लास्टिक बैग्स, बैग मेड बाई क्लॉथ पेपर और ए पॉलीथीन बैग। व्हाट टाइप ऑफ बैग इज यूज बाई यू, वेदर इट इज मेड ऑफ क्लॉथ और पेपर और पॉलीथीन बैग। नो, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। द पोएट वॉन्ट्स टू अराउज द सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, वातावरण पारिस्थितिकी के विषय में जिज्ञासा पैदा करना, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना इस कवि का उद्देश्य है इस पोएम में। व्हाट डू यू डू विद दीज बैग्स आफ्टर यू हैव कैरिड द परचेज आइटम्स। जब आप लाते हैं सामान खरीद के पॉलीथीन बैग में, अगर मान लीजिए, तो आप उसका क्या करते हैं। अगर उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हो, मिट्टी पर फेंकते हो, तो वो मिट्टी में सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। क्लोथ का होगा, पेपर का होगा, तो वो गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो पॉलीथीन वाला अगर मिट्टी में दब गया तो मिट्टी में दबा रहता है बहुत दिनों तक। दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट, दैट प्रोड्यूसेज हार्मफुल इफेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल के लिए वो बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। तो ये सारा मुद्दा इस पोएम में डिस्कस होने जा रहा है। अब देखिए, पॉलीथीन बैग टाइटल पोएम का, इसको स्टार्ट किया हर्ट, हर्ट है HURT। इस हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, HEART अगर रहता है ना, HEART, तो उसका मतलब होता है दिल, HEART, ये हार्ट। तो हार्ट है दिल, हृदय, तो और इसको बोलते हैं हर्ट, ये आपको हर्ट है, और HEART को बोलते हैं हार्ट। तो हार्ट और हर्ट में अंतर है। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। तो हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग।
हर्ट क्या है, किसी को अगर गलत बिहेवियर मैंने किया, आहत किया, तो वो पॉलिथिन बैग की तरह होता है कि विच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इन द अर्थ क्रस्ट, जो मिट्टी में कभी भी नष्ट नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, सड़ता नहीं है। व्हेन टच्ड इट मेक्स ए स्क्वीकी नॉइज, जब प्लास्टिक के बैग को हम छूते हैं उसको तो फड़फड़ की आवाज़ होती है, करकड़ की आवाज़ होती है। उसी तरह से जब इंसान के दर्द को हम लोग छूते हैं, दर्द की बात, तो उससे भी इंसान का घाव ताज़ा हो जाता है। तो वही तो है कि दुख भरी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया, मतलब है कि दर्द को भी याद करोगे तो दर्द बढ़ता है। व्हेन लेफ्ट टू व्हेन बर्न्ड इट एक्स्यूट्स ए पंजेंट स्मेल, जब ये प्लास्टिक के बैग को जलाओगे तो पंजेंट तीक्ष्ण बैड स्मेल उसमें से निकलता है, जो बर्दाश्त के से ज़्यादा होता है। व्हेन लेफ्ट टू इट्स, जब उसको छोड़ देंगे आप, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, वह इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है, पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, हु हैज कंपोज द पोएम, दुर्गा प्रसाद पांडा हैज कंपोज द पोएम, डज ए पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व, नो ए पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिजॉल्व, व्हाट डज ए पॉलीथीन बैग मेक ए नॉइज, द पॉलीथीन बैग मेक्स ए नॉइज व्हेन इट इज टच्ड, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ट, इट गिव्स आउट ए पंजेंट स्मेल व्हेन इट इज बर्न्ट, जब जलाते हैं तो कैसा महकता है, तो पंजेंट स्मेल मतलब बदबूदार स्मेल आता है। हाउ डज इट इफेक्ट इन्वायरमेंट, यही इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है, इट पॉल्यूट्स, यह प्रदूषित करता है, इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट एंड इन दिस वे इट इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग, ये पॉलीथीन बैग की तरह ही क्या होता है, हर्ट, हमारा गलत बिहेवियर जो किसी को हर्ट पहुंचाता है, हर्ट करता है, टू मेल्ट्स डाउन, किसी के घाव के को अगर दूर करना है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी के दिल में चोट है, तो प्यार भरी बातें करेंगे तो उसका दर्द थोड़ा हल्का होता है। विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्म्थ, वार्म्थ ऑफ स्नेह, स्नेह भरी बात करेंगे तो हर्ट किसी का अगर है, किसी को घाव हुआ है, किसी को चोट लगी है बात से, तो उसका दिल कुछ शांत होता है, उसका दुख दूर होता है। तो ये पॉलीथीन बैग भी क्या है कि जब इसको थोड़ा भी गर्मी दोगे, वार्म का मतलब गर्मी भी और स्नेह भी, तो पॉलीथीन बैग्स को हम लोग जलाएंगे, थोड़ी गर्मी देंगे तो जल जाएगा, उसी तरह से दर्द भी जब उसको थोड़ा स्नेह की बात करोगे, मीठा बोलोगे, तो थोड़ा शांत होता है। तो वार्म्थ का मतलब स्नेह भी, वार्म्थ स्नेह और गर्मी दोनों। बट डीप इनसाइड द ग्रीप्स गार्बेज बिन, लेकिन वो जैसे प्लास्टिक का थैला कहीं पड़ा है, उस पर अगर कुछ कूड़ा करकट रख दिए आप, तो बहुत दिनों तक तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, तो उसमें आपको कीड़ा मकोड़ा जर्म्स वगैरह भी पैदा हो जाते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। तो आदमी के दिल के अंदर जो ये चोट लगी रहती है, हर्ट रहता है, जिसमें आहत रहता है इंसान किसी के बिहेवियर से, तो वह भी उसी तरह का कंपेयर है, उसमें भी दर्द होता है और स्थायी तौर पर वो गलत व्यवहार की निशानी रहती है। फार अवे फ्रॉम एवरी वंस गेज, जैसे पॉलीथीन बैग में हर आदमी ध्यान से देखता नहीं है और उसमें जर्म पलते रहते हैं, ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, पलता रहता है जर्म्स, द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, पॉलीथीन बैग नीचे दबा रहता है, उसको में जर्म्स वगैरह पलते रहते हैं, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, और हर्ट से किसी को हमने गलत बात बोल दिया, गलत बिहेवियर कर दिया, उसको जो उसके हार्ट को जो चोट लगी, जो हर्ट हुआ, तो वो हर्ट हो गया, तो कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, उसको दर्द की याद हमेशा आती रहती है, वो अभी कभी गेट लॉस्ट नहीं होता। सो दिस इज द पोएम वी हैड सीन, हमने आपको ये पोएम पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अपने जीवन को संभालने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये स्टैंडर्ड 10th के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लास के बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें नुकसान करेगा। एक्चुअली इट इज़ ए कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्लास्टिक थिंग्स। सो दिस इज व्हाई वी आर हाउ एंड व्हाई वी आर पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, वी आर पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट बाई द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड वी आर पॉल्यूटिंग इट बाई आवर बैड बिहेवियर ऑल्सो, दैट इज हर्ट।
सो दो चीज़ें हैं जो दुनिया को बर्बाद कर रही हैं, गलत बिहेवियर इंसान का इमोशनली और पदार्थ के तौर पर प्लास्टिक का यूज, ये हम लोगों ने देखा। हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो बाय वाटर लॉगिंग इन प्लास्टिक्स। व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर, द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर द बैड बिहेवियर डन बाय ह्यूमन बींग्स। व्हाट कॉजेज पेन, द हर्ट वी गिव टू समवन दैट इज कॉजिंग द पेन, दैट कॉजेज पेन। हुज हर्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलिथीन बैग, हुज हर्ट ह्यूमन बींग्स हर्ट मेल्ट्स डाउन लाइक पॉलिथीन बैग, मनुष्यों का दर्द पिघलता है अच्छे बिहेवियर से जैसा पॉलिथीन बैग आग से गल जाता है। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, बार बार क्या आता है इंसान को, तो पेन दर्द का रिश्ता, जो दर्द किसी ने दिया वो इंसान कभी नहीं भूलता है। सो हर्ट कम्स अगेन एंड अगेन, पेन कम्स अगेन एंड अगेन। वेयर इज द पॉलिथीन बैग बरीड, कहाँ उसको गाड़ते हैं, तो इन द अर्थ जमीन में, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए इसका लाइन बाय लाइन अर्थ किया, ये क्वेश्चन आंसर बताया। इसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए, आपको नंबर अच्छा आवे, आपको समझ में आवे, कविता का अर्थ समझ जाइए आप। फॉर दिस आई एम पुटिंग माई एफर्ट फॉर यू, तो आपके लिए मैंने ये मेहनत किया। आप इसको देखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी वह भी आपके सामने आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर होगा। तो आप इसको देखिए, पढ़िए। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।